पॉजिटिव भारत को स्वागत करछि मिचिन में प्रथमे हेडलाइंस नुआ तालिबानी सरकार गठन पाई प्रस्तुति आरंभ सरकार संभालिबे तालिबान प्रतिष्ठाता मुल्ला अब्दुल गनी बरदार ईरानी मॉडल आधार रे चलिबो अफगानिस्तान दोहारी चलिछि तालिबान नेतांको बैठक तीन दिन मध्यरे अफगानिस्तान रे तालिबान सरकार अमेरिका गला एबे तालिबान चीन एकाठी अफगानिस्तान को संकट रु बाहर करबा पाई चाइना करिबो सहाय्य तालिबान मुखपात्रों का बयान चीन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सहयोगी आर्थिक स्थिति रे उन्नति आणिबा को चीन करिबो सबु सहायता भारतीय सेना को मिलिबो अधिक शक्ति इंडियन आर्मी किणिबो 100 रु अधिक अत्याधुनिक ड्रोन ड्रोन रो ना स्काई स्ट्राइकर मात्र 10 मिनिट्रे 20 किलोमीटर दूर गति करिपारे शत्रु को टार्गेट करि क्षेपणास्त्र माड़ करिपारे दक्ष स्काई स्ट्राइकर ड्रोन ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कार्यक्रम में भारत और रशिया संपर्क में बेस पुराणा बोली कहिले मोदी रशिया भारत विश्वस्त भागीदार राजनैतिक आर्थिक सांस्कृतिक संपर्क विकास लगी द्विपाक्षिक रणनीति प्रस्तुत वैषयिक शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक मानवृद्धि दिगरे बड़ पदक्षेप देशर सबु आईआईटी प्रतिष्ठान गुड़िकरे आयोजित होब रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेला 45 जन कुलपति केन्द्र शिक्षामंत्री गुरुत्वपूर्ण आलोचना नूतन उद्भावन पर प्लाटफर्म जगैबारे पदक्षेप होब जुगांतकारी विधानसभा आविष्कृत है ब्रिटिश अमल गुप्त सुरंग सुरंगटी दिल्ली विधानसभा लालकिला को संयोग करापड़ स्वाधीनता संग्रामी मानू लालकिलू सुरंग भितर दे कोर्ट को अणाऊला मेट्रो स्वेरेज निर्माण फल बंद हो यार गमनागमन पथ पाराओलंपिक्स डबल खुशी गोल्डन गर्ल को मिला ब्रोंज 50 मीटर राइफल सुटिंग रे ब्रोंज जीतिले अवनी लेखेरा सपटे हाई जंप रे सिल्वर मेडल जीतिले प्रवीण एथर संपूर्ण खबर अफगानिस्तान को कब्जा करिबा परे तालिबान पक्षर भारत जम्मू कश्मीर को ने एक बड़ बयान दिया जाइछि बीबीसी सह एक स्वतंत्र साक्षात्कार रे तालिबान मुखपात्र सुहेल साहिन कहिछंती जे कश्मीर रो मुसलमान को पाई मध्य स्वर उत्तोलन करिबार अधिकार आमर रहिछि एही साक्षात्कार रे सुहेल साहिन कहिछंती जे भारत रो कश्मीर हेउ कि अन्य देश रे रहथिबा मुसलमान को पाई स्वर उत्तोलन करिबार अधिकार तालिबान रो रहिछि पदारे पड़ा तालिबान रो दोमुहा नीति काश्मीर मुस्लिम को लगी स्वर उठाइबा तालिबान रो अधिकार तालिबान मुखपात्र सुहेल साहिन को भारत विरोधी बयान सुहेल को एही बयान पदारे पकाई तालिबानी को असल उद्देश्य तालिबान को बयान को भारत रे विरोध अफगानिस्तान रे सरकार गढ़ा जाऊबा तालिबान काश्मीर को नहीं दे चिंताजनक बयान मुसलमान भाव भारत काश्मीर हो अबा कौन देश मुसलमान को लागी स्वर उठाइबा तालिबान रो अधिकार बोली कहिछंती तालिबानी मुखपात्र सुहेल साहिन सुहेल को एही बयान पदारे पकाई तालिबानी को असल उद्देश्य क्षमता को आसीबा परे भारत सहित सुसंपर्क रखिबा कथा कहुतिबा तालिबान रो वर्तमान बदलिछि स्वर एहा पूर्वरु गोटिए पटे तालिबान मुखपात्र जबीहुल्ला मुजाहिद काश्मीर को नहीं भारत और पाकिस्तान सकारात्मक दृष्टिकोण रखिबा उचित बोली कहिथिबा बेले एपटे काश्मीर मामलें हस्तक्षेप करने बयान देवा तालिबानी असल चेहरा को सामना को अफगानिस्तान रे आतंकी शासन करने आरंभ कर तालिबान भारत विरोधी मंतव्य देवाने भारत बुद्धिजीवी तरफ प्रतिक्रिया आरंभ हो दुनिया के बाकी देशों के लिए अरब के देशों के लिए तालिबान का क्या एजेंडा है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर तालिबान ने भूल कर भी भारत और जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अपशब्द कहे या कुछ साजिश करने की कोशिश की तो तालिबान का अस्तित्व मिटा के रख देंगे तालिबान का इतिहास में नाम रह जाएगा तालिबान आफ्टर दे हैव गॉट द पावर इन अफगानिस्तान दे फील दैट दे हैव डिफीटेड यूएस एंड नाउ दे आर दी परहैप्स पायनियर्स ऑफ मुस्लिम कॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट्स व्हाट दे फील सो What their hierarchy speaks and what their fighters speak, these are two different things. Also,
तालिबान इटसेल्फ इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड देयरफॉर अर्लियर तालिबान वाज स्पीकिंग दैट इट्स अ बायलेटरल इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया गोटिए पटे तालिबान दोहारे भारत सह कथावार्ता करिछि अन्य पटे एहर मुखपात्र काश्मीर प्रसंग रे नकारात्मक विवृति देबा आरंभ करिछन्ति चीन रे उइगर मुसलमान मानक दमन उपर नीरव रहितबा तालिबान वर्तमान जम्मू काश्मीर समेत समग्र विश्वर मुसलमान क पई स्वर उत्तोलन करिवार अधिकार रहिछि बोली कहिबा तालिबानी को दोमुहा नीति को पदारे पकाउछि अगस्त 31 रे भारत प्रथम तर पई तालिबान सहित द्विपाक्षिक आलोचना करितिला एही बैठक रे तालिबान भारत विरोधी कार्यकलाप ओ आतंकवाद पई कोनसी प्रकार प्रोत्साहन जगाइबो नाही बोली कहितबा सत्वे एबे जम्मू काश्मीर प्रसंग रे देइतिबा मंतव्य परे तालिबान रो असल उद्देश्य उपरे प्रश्नवाची सृष्टि होईछि ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज अफगानिस्तान रो अमेरिका रे सेना संपूर्ण प्रत्याहार परे वर्तमान नुआ तालिबानी सरकार गठन पई प्रस्तुति आरंभ होईछि जातीय गणमाध्यम सूत्र अनुसारी तालिबान रो प्रतिष्ठाता सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरदार तालिबान रो सरकार संभालिबे सूचना अनुसारी सर मोहम्मद अब्बास एवं मल्लिक याकूब मध्य गुरुत्वपूर्ण दायित्व ग्रहण करि पारंति तबे 2-3 दिन मध्य रे नुआ सरकार गठन हेबो बोली चर्चा होईछि अफगानिस्तान रे तालिबान रो दखल परे चालिबो तालिबानी शासन सरकार घोषणा पूर्वरु तालिबान कहिछि जे चीन सहायता रे से अफगानिस्तान को संकट रो बाहर करिवो एहा सह तालिबान कहिछि जे चीन रो आर्थिक सहायता सहायता रे देशर स्थिति को सुधारिबा को चेष्टा करूछि कारण चीन एहारो सबुठारु विश्वस्त सहयोगी तबे तालिबान मुखपात्र जावी हुल्ला मुजाहिदुन कहिछन्ति जे तालिबान चीन को सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सहयोगी भावरे देखुछि एवं मुख्य रूपरे चीन रो आर्थिक सहायता तथा फंडिंग उपरे निर्भर करिवो मुजाहिद कहिछन्ति जे अफगानिस्तान रो आर्थिक अवस्था एबे अत्यंत खराब एवं देश चलाइबा पई सेमानकु आर्थिक सहायतार आवश्यक एनै से स्वीकार करिछन्ति जे जे चीन सहायतारे आमे आर्थिक स्थिति रे उन्नति आनिबाकु चेष्टा करूछु अभी चाइना उसके विस्तारवाद की जो पॉलिसी है उसके ऊपर खरी उतर आई है पाकिस्तान को तो पहले उसने अपना कॉलोनी बनाई लिया है अभी वो अफगानिस्तान की तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं आपको ये पता नहीं होगा लेकिन तालिबान पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने से कुछ दिन पहले काबुल के ऊपर कब्जा करने के कुछ दिन पहले ये चाइना और तालिबान इनमें चर्चाएँ शुरू हो गई थी देखिए किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी चाइना ने हासिल की है क्योंकि चाइना भी इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाता है और इसी प्रकार से ट्रेचरी करता है उन्होंने बात की तालिबानों से क्योंकि उनको पता था कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया तो फिर जो वखान कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान का हिस्सा जो है जो चाइना से जाकर मिलता है वखान कॉरिडोर वहाँ से वो लोग आ जाएंगे अंदर और अंदर आने के बाद फिर उइगुर मुस्लिम्स जो वहाँ पर है तो वहाँ पर चाइना के खिलाफ वो लोग कार्रवाई करेंगे तो उससे बचने के लिए कि भाई हम सेफ साइड में रहे चाइना ने पहले से ही बातचीत शुरू कर दी थी तालिबान से और बातचीत करने के बाद उन्होंने नेचुरली ये कहा कि हम आपके पूरे देश को डेवलप करवा देंगे आपको पैसा देंगे आपको सारी सारी मदद हम देंगे लेकिन आप उइगुर मुस्लिम से दूर रहो और अफगानिस्तान और तालिबान को क्या चाहिए था एक आतंकवादी संगठना अगर किसी देश के ऊपर राज कर रही है तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे वो अपने देश को चला कैसे सकेंगे वो लोगों का लोगों की सैलरीज कैसे दे पाएंगे तो पैसे तो चाहिए ना भाई तो पैसे कहाँ से आएगा चाइना से आएगा पैसे तो उनकी अगर एक डिमांड है कि उइगुर मुस्लिम से तुम दूर रहो तो ठीक है उइगुर मुस्लिम से हम दूर रह लेते हैं एबे भंगा हेलिकॉप्टर एवं टैंक गुड़ी को देखी अमेरिका को गाली देउछि तालिबान अमेरिका तालिबान को धोखा देछि बोली एहार नेता माने एबे कहिछन्ति कारण अमेरिका काबुल छाड़ीबा पूर्वरु अधिकांश एयरक्राफ्ट एवं टैंक गुड़ी को अचल कर दे चली जाइछि जहां फलरे ताहाकु व्यवहार करि पारु नाहंती तालिबान गोष्ठी एबे भंगा हेलिकॉप्टर एवं टैंक देखी अमेरिका को गाली देउछि तालिबान तालिबान को धक्का देछि अमेरिका अफगानिस्तान छाड़ीबा पूर्वरु अमेरिका अचल कर देछि सब हेलिकॉप्टर और टैंक अमेरिकार एपरी कार्य रे हताश हेबे तालिबान नेता
ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ଚଳେଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନେଇଥିଲେ ତାଲିବାନ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏପରିକି ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିବାନ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗଢ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଲିବାନର ସରକାର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଖୁବ୍ ହତାଶ କରିଛି ତାଲିବାନ ଓ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏହାର ନେତାମାନଙ୍କୁ। ଆମେରିକା କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ତାର ଶେଷ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଥିବା 73 TCH-46 ହେଲିକପ୍ଟର ସମେତ 27 ହମ୍ଭିଜ୍ ବହୁମୁଖୀ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଯାଇଛି। ସେସବୁର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକାମୀ କରି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ଉଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ହେଲିକପ୍ଟର। ଏପରିକି ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଆମେରିକା ସେନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିବାନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ତାଲିବାନ ନେତା। ଏବେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ହତାଶ ହୋଇଛି ତାଲିବାନ। ଆମେରିକା ତାର ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ କରି ପଳାଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାଲିବାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଏବେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ଏହାର ନେତା। ସରକାର ଗଢ଼ା ହେବା ପରେ ତାଲିବାନ ନେତାମାନେ ବିନା ହେଲିକପ୍ଟରରେ କେମିତି ଯିବାଆସିବା କରିବେ ସେଥିନେଇ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାରେ। ତଥାପି ତାଲିବାନ କବ୍ଜାରେ ଆମେରିକାର 48 ବିଭିନ୍ନ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେସବୁ ଉଡ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏବେ ତାଲିବାନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିବା କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ସେସବୁର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତାଲିବାନ ନେତା। ଏପଟେ ଆମେରିକା ଯିବା ପରେ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବର୍ଜନା। ଏସବୁକୁ ଏବେ ସଫା କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି ତାଲିବାନ। କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ଦେଶ ରାଜି ନହେବାରୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି କ୍ୱାତାର। September 3 ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିପରି ରହୁଛି ତାଲିବାନର ପ୍ରଶାସନିକ ଗତିବିଧି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ଓ ରଷିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ୍ ପୁରୁଣା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମୟର ଏକ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମୟର କସରତି ପଥରରେ ବେଶ୍ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫୋରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀରେ ଭାରତକୁ ରଷିଆ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଭାରତର କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ରୁଷିଆର ସହଯୋଗ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ପୂର୍ବ ରଷିଆର 11 କ୍ଷେତ୍ରଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ମୋଦି ଭାରତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦୂର ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ମୋଦି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସାକାର ହେଉ ଏଥିଲାଗି ରୁଷିଆର ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାଗିଦାର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ 2015 ମସିହାରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଫୋରମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଫୋରମର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭ୍ଲାଡିଭୋସ୍ତକରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫୋରମର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। India's commitment to an Act Far East policy. This policy is an important part of our special and privileged strategic partnership with Russia. Excellency, President Putin, I remember our detailed conversation during the boat ride from Vladivostok to Jelda. During my visit in 2019, you had shown me the modern shipbuilding facility at Jelda and had expressed the hope that India would participate in this great enterprise. Today, I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazgaon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶର ସବୁ IIT ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେଳା। ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗାଇବାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେବ ବେଶ୍ ସହାୟକ। ଏନେଇ ଆଜି 45 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର
कुलपति आलोचना करिसेंति केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे एही बैठक अनुष्ठित होइथिला। कुलपति मानंक सह एहा केन्द्र मंत्री प्रथम आनुष्ठानिक बैठक बैठक में एकाडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा सह नूतन एकाडेमिक अधिवेशन आरंभ संपर्क में आलोचना करा जायछि। एहा सह शिक्षा अनुष्ठान पई ग्लू ग्रांट और स्वाधीनतार 75 वर्षर उत्सव भली प्रसंग मध्य आलोचना होइछि। are coming together to have a R&D Mela in the mid of November. This will create a new framework. The IITs will create a priority R&D initiative to create ease of living for our citizen. IIT is a global brand today. I am confident this R&D Mela, R&D Fair, lot of innovations will come up, lot of new project will come up, and this Mela will give emphasis to connect with Indian industries. Indian industry, alumni, present students and faculty, they all come together. This is beginning with IITs gradually. The all central funded technical institution, our state have their good technical institution, involving all the technocrats, all the technology students, will create a new ecosystem. The outcome will be ease of living of our citizen. This will be the greatest achievement of our 75 year of journey, and I wish all the success of this event. भारतीय स्थल सेना को मिलिब अधिक शक्ति। इंडियन आर्मी किणव 100 रु अधिक अत्याधुनिक ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर नामक एही ड्रोन गुड़िक शत्रु शिविर को लक्ष्य भेद करिपारे माहिर। एही ड्रोन विभिन्न विध्वंसकारी अस्त्रशस्त्र बहन कर मात्र 10 मिनिट्रे 20 किलोमीटर दूर गति करिपारे एवं शत्रु को टार्गेट कर क्षेपणास्त्र माड़ करिपारे। बेंगालुरुर एक कंपानी यहाँ निर्माण कराई भारतीय कंपानी आल्फा डिजाइन और इज्राएल्र एलबीटी सिक्यूरीटी नामक कंपानीर मिलित उद्यम निर्मित होइछि स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। एथिरु 100 रु अधिक ड्रोन किणबा पई एबे 100 कोटीर एक ऑर्डर कंपनी को देछि इंडियन आर्मी। गत अगस्त 31 भारतीय नौसेना तरफ मध्य एक स्वदेशी कंपनी भारत लिमिटेड सहित नावल एंटी ड्रोन सिस्टम किणबा पई चुक्ति करा जायथिला। पारा ओलंपिक्स रे अवनी लेखारा को आउ एक पदक। महिला वर्गर 50 मीटर राइफल 3PSH1 रे अवनी लेखारा ब्रोंज पदक हासिल करिसेंति। पूर्वर अवनी 10 मीटर एयार राइफल रे स्वर्ण पदक जीति आज ब्रोंज पदक जितवा पर अवनी नुआ रेकर्ड स्थापन करिसेंति। अवनी प्रथम महिला खेलाड़ी हो पारिसेंति जेकि पारा ओलंपिक्स रे 2टी पदक जीति पारिछि। एपर्यंत कोनोसी खेलाड़ी गोटी ओलंपिक्स रे मध्य 2टी मेडल जीति नाहंति। अवनी 2टी मेडल जितवा पर पूरा राजस्थान रे खुशी रो माहौल। अवनी ब्रोंज जितिबा परे पैरालंपिक्स रे भारत रो पदक संख्या 12 को वृद्धि पाइछि। सूचना अनुसार 11 वर्ष रो होइथिबा बेले एक मर्मन्तुद कार दुर्घटना रे तांको जीवन रो गतिपथ को बदलाई दैथिला। मेरुदंड रे गुरुतर आघात लागिबा परे तांको शरीर रो अंटा थारु तळकु संपूर्ण अकामी होइगला। जीवन बि एक प्रकार रो व्हील चेयर रे आबद्ध होइ जैथिला। हेले एथिने हारि जाय नथिला से निज अक्षमता को शक्ति और सामर्थ्य में परिणत कर बंधुक चालन श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करते अवनी परिवार रे सेलिब्रेशन देखा मिली। खुशी हो रही है और आई जस्ट कांट बिलीव इट्स जस्ट सबका इतना सपोर्ट रहा है पूरे इंडिया का एंड होल टीम होल इंडियन टीम कोचेज सपोर्ट स्टाफ एवरीबॉडी हैज बीन सो विद मी थ्रू आउट सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस थैंक्स। सेपटे हाइजम्प भारतर प्रवीण कुमार जीतिले रौप्य पदक। T64 वर्ग में 2.07 मीटर सह रौप्य पदक जीति प्रवीण कुमार। यहसह नुआ एशियान रेकर्ड करिसेंति प्रवीण। प्रवीण कुमार प्रथम प्रयास रे 1.83 मीटर उच्चता डिया मारी। द्वितीय प्रयास रे 1.93 उच्च डिया मारिबारे सफल होइथिले। तृतीय प्रयास रे प्रवीण रेकर्ड 2.07 मीटर डे रौप्य पदक हासिल करिसेंति जहाकि नुआ एशियन रेकर्ड। एही मेडल सह भारतर पदक संख्या 11 पहुँचिछि। केवल हाइजम्प रु भारतको 4टी पदक मिलिछि। पदक जितिबा परे प्रवीण को विभिन्न महलरे शुभेच्छा मिली सारी। ट्वीट कर अभिनंदन जनाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। अक्लांत परिश्रम आज पदक आनी प्रधानमंत्री। मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है
और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे कोच का नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह है जिन्होंने जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगता कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। और मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और मैं PCI और साय को भी थैंक यू बोलना चाहूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी अपने टैलेंट को आगे लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। दिल्ली विधानसभा गृह में आविष्कृत हो ब्रिटिश शासन समय एक गुप्त सुड़ंग आविष्कृत सुड़ंगटी वर्तमान दिल्ली विधानसभा लाल किला को संयोग करुथिबार जनापड़ी। ब्रिटिश शासन समय प्रथम आसेंब्ली एवं एक कोर्ट भाव में कार्य करुथिला एबेकार दिल्ली विधानसभा गृह 1912 मसीह देशर राजधानी कोलकाता दिल्ली स्थानांतरित होबापर सेठारे बसुथिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव आसेंब्लीर अधिवेशन। यहापर 1926 रे कोर्ट रे परिणत करा जायथिला। ब्रिटिश शासन समय स्वाधीनता संग्रामी मानंकु लाल किलारु एही सुडंग भितर दे कोर्ट को अणा जाउथिला, कारण स्वतंत्रता सेनानींकु कोर्ट आणिबा बेले पुलिस को प्रतिरोधर सम्मुखीन होबाकु पडुथिला। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାନଯିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଗମନାଗମନ ପଥ। ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ପରିସରରୁ ବାଚସ୍ପତି ରାମନିବାସ ଗୋଏଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ତେବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ପ୍ରବେଶ ପଥ କେବଳ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ବେଶ୍ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା 5 IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର 5 ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଡ଼ିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ନେଲ୍ଲୋର ସାବିତ୍ରୀ ଆମ୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜମିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ମେଣ୍ଟାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ 2017 ମସିହାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଆମ୍ମା। କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା କୋର୍ଟ ଆଦେଶର ଅବମାନନା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁଣି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆବେଦନକାରୀ। କୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାର କରି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ 5 IAS ଅଧିକାରୀ। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ। ଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ରାକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ରାକୁଲଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାକୁଲ ତାଙ୍କ ପଚରା ଉଚରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ହାଜର ହେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଇଡି ରାକୁଲପ୍ରୀତ ସିଂ, ଅଭିନେତା ରାଣା, ଜଗୁବତୀ, ରବି ତେଜା, ନବଦୀପଙ୍କ ସମେତ ଟଲିଉଡ୍ର 12 ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ କାରଣରୁ ସାଜନ କୁମାରଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ 1984 ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗାରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ସଜା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାଜନ କୁମାର। ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜାମିନ ସକାଶେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସାଜନ କୁମାର। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ VIP ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି କୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ସବୁବେଳେ ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏବେ ବଢ଼ିଲା ବିପଦ। ଖାସ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେହି ପାକିସ୍ତାନର ପାସ୍ତୁନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା। ପାକିସ୍ତାନ ପାସ୍ତୁନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ମୋହସିନ ଦରୱାଇ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ନାଁ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମୟ ସରିଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଭାରତକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।